जरा सोचो, तुम्हारे हाथ एक ऐसा फोन लग जाए जो पहले ही बता दे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और इसका फायदा उठाकर तुम मालामाल हो जाओ। लेकिन चीजें जैसी दिखती हैं उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत में एक औरत रेलवे स्टेशन पर मैसेज पढ़ते हुए चल रही थी। उस मैसेज में लिखा था कि जवाब उसे 1114 क्रॉसिंग पर मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मौत के सिवाय कुछ नहीं मिला क्योंकि एक ट्रेन ने उसे कुचल दिया। उधर थाईलैंड में एक मैक्स नाम का अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर अपना काम खत्म करके वापस अमेरिका जाने के लिए होटल में पहुंचा तो उसे एक पार्सल मिला जिसमें भेजने वाले का नाम ही नहीं था। जब उसने पार्सल खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत एडवांस फोन था। कमरे में जाकर मैक्स ने फोन छोड़कर टीवी ऑन किया और न्यूज देखने लगा। तभी उस फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि होटल में अगले 2 दिन तक 50% ऑफ का ऑफर होगा। मैक्स ने रिसेप्शन पर फोन करके जब पता किया तो ये बात बिल्कुल सच निकली, इसीलिए मैक्स ने 2 दिन और वहीं रुकने का फैसला किया। वीकेंड पर भी मैक्स न्यूज देख रहा था जब खबर आई कि जिस प्लेन में वो जाने वाला था वो क्रैश हो गया है। उसमें बैठा कोई भी आदमी जिंदा नहीं बच पाया। उसे एहसास हुआ कि उस फोन में आए मैसेज की वजह से वो बच गया था। तभी मैक्स को एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था कि उसे सीजर नाम की कंपनी के शेयर खरीद लेने चाहिए, लेकिन उसने इस मैसेज को अनदेखा कर दिया। कमरे में वापस आकर मैक्स ने फोन कंपनी को कॉल करके मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके सिस्टम में भी कुछ नहीं पता चला। तभी टीवी पर खबर आई कि सीजर कंपनी के शेयर आसमान छू रहे हैं और जिन भी लोगों ने उसमें पैसा लगाया था वो अब करोड़पति हो चुके हैं। ये खबर देखकर मैक्स हैरान रह गया और साथ ही साथ उसे ये मौका गंवाने का दुख भी था। अगले दिन उसके फोन पर मैसेज आया कि उसे प्राग जाना चाहिए। इस बार मैक्स ये मौका नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए वो बिना सोचे वहां पहुंच गया। एयरपोर्ट पहुंचने पर एक रशियन टैक्सी ड्राइवर ने उसे आधे पैसों में होटल तक पहुंचाने का वादा किया, जिसे सुनकर मैक्स भी मान गया। रास्ते में यूरी ने उसके फोन की तारीफ करते हुए उसे अपना कार्ड भी दिया क्योंकि उसका फोन और बाकी गैजेट्स का साइड बिजनेस था। होटल पहुंचकर मैक्स ने कुरियर कंपनी को फोन लगाया ताकि पता तो चले ये फोन उसे भेजा किसने है, लेकिन उन्होंने भी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तभी उसे मैसेज आया कि कसीनो में जाकर 13 नंबर मशीन में खेले, 3 बारी में तो कुछ नहीं बनेगा लेकिन 4थी बारी में लग जाएगा सीधा जैकपॉट। वो जब कसीनो पहुंचा तो उस मशीन पर कोई बैठा हुआ था, पर मैक्स ने उसे 100 यूरो देकर वहां से हटा दिया। जैसा मैसेज में लिखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कसीनो में चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे और ये सब सिक्योरिटी हेड जॉन देख रहा था। उसने अपने आदमियों को मैक्स पर नजर रखने को कहा। इसके बाद मैक्स को एक दूसरा मैसेज आया और उसने एक टेबल पर जाकर अपने सारे पैसे लगा दिए। इस बार भी मैसेज की बात बिल्कुल सच साबित हुई और वो फिर से जीत गया। जॉन ने देखा कि वो खेलते वक्त फोन का इस्तेमाल कर रहा था। उसने एक आदमी भेजकर मैक्स को कहलवा दिया कि कसीनो में फोन चलाना अलाउड नहीं है। मैक्स मौका नहीं गंवाना चाहता था, इसीलिए उसने यूरी को फोन करके मदद मांगी ताकि वो बिना फोन को छुए मैसेज सुन सके। यूरी मदद करने के लिए मान तो गया, लेकिन उसने बताया कि कुछ घंटों का टाइम तो लगेगा, इसीलिए मैक्स वापस अपने होटल में चला गया जहां उसने देखा कि एक आदमी औरत आपस में लड़ रहे थे। कमिला नाम की वो औरत अपने शराबी पार्टनर से खुद को बचाना चाहती थी, इसीलिए मैक्स ने उसकी मदद करने की सोची। रुक जाओ, कानून की खातिर मेरे को रोकेगा तेरी तो। मैक्स के बेहोश होने पर पता चला कि ये सब तो सिर्फ एक दिखावा था ताकि वो लोग मैक्स के सिम कार्ड को कॉपी कर सके। जब मैक्स को होश आया तो वो आदमी वहां से जा चुका था, तो मौका देखकर मैक्स ने कमिला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की। उधर जॉन की टीम को पता चला कि दुनिया के किसी भी सिस्टम में मैक्स के फोन पर आए मैसेजेस का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उधर मैक्स यूरी से मिला जिसने उसे वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन दिए। अभी तुम्हें फुद्दू बात लग रही होगी, लेकिन ये 2009 की मूवी है, ठीक है, उस टाइम की खतरनाक टेक्नोलॉजी। खास बात ये थी कि फोन पर आने वाले सभी मैसेजेस को वो सुन सकता था। उरी भी उन मैसेजेस को देखकर हैरान हुआ, लेकिन फिर मैक्स ने उससे पूछा कि क्या वो इन्हें भेजने वाले का पता लगा सकता है। उरी ने बताया कि इसके लिए बहुत हाई लेवल की हैकिंग चाहिए और वो ये सब सिर्फ मॉस्को जाकर ही कर पाएगा। मैक्स कैसीनो में आकर मैसेजेस की वजह से बार बार जीतता गया। ये देखकर जॉन और उसके आदमी उसे पकड़ने के लिए पीछे भागे। उनसे बचते बचाते मैक्स जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलने वाला था, तभी FBI के स्पेशल एजेंट डेव ने अचानक से सामने से आकर उसे पकड़कर अरेस्ट कर लिया। जॉन ने मैक्स को अपना आदमी बताकर डेव को रोकने की कोशिश की, पर उसने उसकी एक न सुनी और जॉन को याद दिलाया कि अब भैया आप FBI में काम नहीं करते, इसलिए बीच में ना पड़े तो बढ़िया होगा वरना तशरीफ तोड़ दी जाएगी आपकी। कुछ ही पलों के बाद मैक्स को एक खाली पड़ी बिल्डिंग में ले जाया गया जहां डेव ने बंदूक की नोक पर उससे फोन के बारे में पूछताछ की। मैक्स ने भी कह दिया, अरे भैया मम्मी कसम हमको नहीं पता ये फोन कहां से आया यार, मैं तो खुद परेशान हूँ, थोड़े पैसे कमा लिए हमको मारोगे क्या।
उसे इस तरह डरा सहमा देखकर डेव ने भी उसकी बात पर भरोसा कर लिया। कुछ ही देर बाद जॉन भी वहां पहुंच गया और ये देखकर कि वो वहां से बिना जवाब मिले नहीं जाने वाला, तो डेव ने उसे सारी जानकारी बता दी। दरअसल FBI उन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने मैसेजेस के दम पर बहुत सारे पैसे एकदम से कमा लिए हैं। ये सभी लोग अमेरिकन थे, बाकी इसके अलावा एक भी चीज नहीं थी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़े। मैसेज भेजने वाला कभी नहीं पकड़ा गया और जिन्हें भी मैसेज आया उनकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। खुशकिस्मती से उन्होंने मैक्स को मरने से पहले ही पकड़ लिया था, क्योंकि अब अमेरिका की सरकार ने एक AI प्रोग्राम बनाया था जो किसी के भी टेक्स्ट मैसेजेस को पढ़ सकता था। जॉन और डेव साथ काम करने के लिए तैयार हो गए और जेल जाने से बचने के लिए मैक्स भी उनका पूरा साथ देने को तैयार था। डेव ने फोन अपने पास रख लिया और मैक्स को होटल से बाहर निकलने से मना किया गया क्योंकि उसकी जान को खतरा था। इधर डेव ने ब्रूक को फोन किया जो 3 घंटे के अंदर अपने AI प्रोग्राम को शुरू करने को तैयार हो गया। अपना मैक्स होटल में बोर हो रहा था तभी उसे कमिला का फोन आया, जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक्स के लिए होटल बार में मिले। लेकिन उनकी प्यारी सी डेट के बीच में ही जॉन और डेव मैक्स को लेने आ गए। अब उन्हें भेजने वालों का पता लगाने के लिए सिर्फ 3 मैसेजेस की जरूरत थी और मैक्स का काम था हर बार की तरह जैसा मैसेज में बताया जाए ठीक ऐसा ही करना। मैक्स ने फिर से अपना सारा पैसा दाव पर लगा दिया, लेकिन इस बार वो हार गया और फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि अगर एक और बार फोन बंद हुआ तो वो मारा जाएगा। जैसे ही ब्रूक के AI प्रोग्राम ने लोकेशन ढूंढी तो वो एकदम हैरान रह गया और उसने जल्दी से पूरे सिस्टम को बंद करने का ऑर्डर दिया। उसने डेव को कॉल करके ये मिशन जल्दी से बंद करने को कहा और जब डेव ने पूछा कि क्यों भाई, क्या चक्कर है, तो उसने बताया कि हो सकता है ये उन्हीं के AI प्रोग्राम एकिलॉन का काम हो। इधर हेडक्वार्टर्स में ब्रूक का दिमाग फटा जा रहा था और उसने सबको ये पता करने में लगा दिया कि आखिर उनके सिस्टम को किसने हैक किया है। लेकिन जांच करने पर पता चला कि किसी बाहर के आदमी का इसमें कोई हाथ नहीं है। शाम को मैक्स कमिला से मिलने गया जहां उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में बात की और कुछ प्यार भरे लम्हे साथ बिताए। अगले दिन कमिला को एक फोन आया और उसे ऑर्डर्स दिए गए कि मैक्स को किसी भी तरह घर के अंदर ही बिजी रखे। दूसरी ओर मैक्स के फोन पर एक मैसेज आया जिसमें एक एड्रेस था। ब्रूक ने डेव से कहा कि मैक्स की जगह एक एजेंट को वहां पर भेज दे। डेव को शक था कि वो इतनी आसानी से उन्हें बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। जैसे ही वो एजेंट वहां पहुंचा तो ट्रैफिक सिग्नल अपने आप बदलने लगा। इस गड़बड़ी की वजह से एक गाड़ी ने आकर एजेंट को मार दिया। इधर मैक्स अमेरिकी सरकार के बनाए उस नए एकिलॉन प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहा था जिसकी मदद से वो अमेरिका के सभी नागरिकों के फोन और मैसेजेस पढ़ सकेंगे। और तो और ये प्रोग्राम इतना ताकतवर था कि ये देश के सभी कैमरों का इस्तेमाल भी कर सकेगा। मैक्स का ध्यान भटकाने के लिए कमिला उसके गाँव के बारे में बात करने लगी जहाँ उसके दादा का घर था। उसकी ये बात सुनकर मैक्स एकदम हैरान रह गया क्योंकि उसने तो कमिला को कभी अपने दादा के घर के बारे में बताया ही नहीं था। उसे कमिला पर शक हुआ, लेकिन इससे पहले वो बात कर पाते कमिला ने सामने वाली छत पर एक स्नाइपर को देखा और उसके गोली चलाने से पहले ही उसने मैक्स को जमीन पर धक्का दे दिया। इसके बाद उसने देखा कि 2 लोग उन्हें मारने के लिए सीढ़ियों से भी आ रहे हैं। उसने मैक्स को बाथरूम में छिपाया और टेबल के नीचे छुपाई अपनी गन को निकालने की कोशिश करने लगी, जिसकी वजह से स्नाइपर ने उसे देख लिया और गोली चला दी जो सीधा जाकर कमिला के कंधे में लगी। इसके बाद उसने गन को छोड़कर एक तेज धार चीज से दरवाजे पर हमला किया जो दरवाजे को चीरती हुई सीधा एक आदमी की छाती में घुस गई। पर दूसरा आदमी अंदर आ गया और मैक्स की तरफ बढ़ने लगा। मैक्स को बचाने के लिए कमिला ने स्नाइपर की गोलियों से बचते हुए उस पर हमला किया, पर जल्द ही वो आदमी कमिला पर भारी पड़ने लगा। इसी बीच मौका देखकर मैक्स ने उसके पैर में ब्रश घोंप दिया, जिसकी वजह से कमिला को उसे मारने का मौका मिल गया। साथ ही पुलिस के आने का सायरन सुनकर वो स्नाइपर भी वहां से कट लिया। तभी एक और आदमी बाथरूम में आया। ये जॉन था जो शुरुआत से ही कमिला के साथ काम कर रहा था। जॉन मैक्स को साथ लेकर वहां से निकल गया और उधर डेव को रास्ते में एक फोन मिला जिसमें एक मैसेज लिखा था कि मैक्स मुझे दे दो वरना बेटे कालू तू तो गया, डायरेक्ट इनकाउंटर होगा बेटा। रास्ते में जॉन ने बताया कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते और खास तौर पर अमेरिका की सरकार पर तो बिल्कुल भी नहीं। इस सब के पीछे का पता लगाने के लिए मैक्स के पास एक प्लान था। उसने बताया कि उन्हें मॉस्को जाकर यूरी से मिलना चाहिए, टैलेंटेड लड़का है, वो मदद कर देगा अपनी। लेकिन जैसे ही वो मॉस्को पहुंचे तभी ब्रूक ने अपने AI प्रोग्राम से उनकी लोकेशन का पता लगा लिया और उसने डेव को उनके पीछे जाने के ऑर्डर्स दिए। इधर मैक्स और जॉन यूरी से जाकर मिले, जिसने कसम खाई कि उसे कुछ ये सब करना नहीं आता। लेकिन जॉन के धमकाने पर उसने वादा किया कि वो 3 घंटे में काम कर देगा। इसके बाद जॉन और मैक्स ऐसे ही टहलने निकले जहां जॉन ने अपनी FBI छोड़ने की वजह बताई। दरअसल वो
सरकार के इस AI प्रोग्राम के खिलाफ था और उसने इसका बहुत विरोध भी किया। फिर भी जब बात बनती नहीं दिखी तो उसने नौकरी छोड़ दी। 3 घंटे बाद जब वो यूरी के पास गए तो उन्हें पता चला कि किसी ने भी उस AI प्रोग्राम एकिलॉन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। दरअसल वो प्रोग्राम ये सारे मैसेजेस खुद ब खुद भेज रहा था। वो प्रोग्राम खुद ब खुद अपलोड होकर दुनिया के सभी कंप्यूटर्स में फैलता जा रहा था। उन सभी मैसेजेस में वो जानकारी थी जो सिर्फ एकिलॉन ही हासिल कर सकता था। वो हवाई जहाज खराब इसलिए हुआ क्योंकि उसमें कुछ खराबी थी जिसके बारे में उस मशीन ने पहले ही पता लगा लिया था। उसने पहले ही बता दिया था कि सीजर कंपनी के स्टॉक्स बढ़ेंगे क्योंकि उसने कंपनी के मालिक और शेयर होल्डर्स की आपस में बातें पढ़ ली थी। और उधर कैसीनो में सारी मशीनें भी कंप्यूटर से ही चलती थी, तो इसी तरह उस AI प्रोग्राम ने सबके बारे में पता लगा लिया था। इनकी बातचीत पूरी होती उससे पहले ही वहाँ FBI के एजेंट्स आ गए। जॉन और मैक्स पीछे के दरवाजे से एक वैन को चोरी करके वहाँ से भागे। इसके बाद FBI ने पूरे शहर में उनकी कार का पीछा किया। जॉन और मैक्स ने एक गलत मोड़ ले लिया जहाँ सामने रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन जा रही थी। वो तो जॉन के पास बंदूक थी तो उसने उसकी मदद से उन दोनों को बचा लिया। और तो और डेव के गाड़ी से बाहर निकलते ही उसने उसकी गाड़ी भी उड़ा दी। डेव ने फोन मैक्स को वापस दिया और बताया कि वो मैक्स को इसलिए पकड़ना चाहता था क्योंकि एकिलॉन उसके अलावा किसी से बात नहीं करेगा और अमेरिकन सरकार भी ये बात जानती है कि सारे मैसेजेस एकिलॉन ने ही किए थे। ये सुनते ही मैक्स ने अपनी बंदूक डेव पर तान दी, पर डेव ने उसे भरोसा दिलाया कि अब वो उसी के साथ है। इसके बाद एक मैसेज आया जिसमें मैक्स की पहली नौकरी का एड्रेस लिखा था। जब दिए गए पते पर पहुंचकर मैक्स ने मशीन में अपना पासवर्ड डाला तो उन्होंने देखा कि वो तो एकदम खाली था। दरअसल वो AI कंप्यूटर प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स के कंप्यूटर को छोड़कर खुद ब खुद अपने आप को इस कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहा था ताकि सरकार भी उसे काबू न कर सके। धीरे धीरे ये प्रोग्राम पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स में फैल जाएगा और फिर उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। डेव ने मैक्स को इसे रोकने को कहा, तभी एक मैसेज आया कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। मैक्स ने स्क्रीन पर देखा कि एकिलॉन ने सभी लोगों का पैसा अपने कब्जे में कर लिया था। अगर उसने इस वक्त सर्वर को बंद कर दिया तो सबके पैसे डूब जाएंगे, इसलिए वो किसी और तरह से उसे रोकने की कोशिश करने लगा। वहाँ एक कैमरा और हेडफोन्स मौजूद थे जिसकी मदद से उसने एकिलॉन से बात करनी शुरू की। एकिलॉन ने उसे बताया कि उसका मकसद सिर्फ अमेरिका की आजादी की रक्षा करना है और जो भी चीज उसके बीच में आएगी वो उसे खत्म कर देगा। मैक्स को एहसास हुआ कि वो अब भी कुछ ना कुछ कर सकता है, तो उसने एकिलॉन को इस बारे में सर्च करने को कहा कि आखिर लोग इस बिल के खिलाफ क्यों थे। ये सब पढ़कर एकिलॉन को पता चला कि वो खुद ही अमेरिका के लोगों की आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब सरकार उनके पर्सनल मैसेजेस और कॉल्स को पढ़ और सुन सकेगी तो फिर आजादी किस बात की। उस प्रोग्राम ने सोच समझ कर खुद को ही बंद कर दिया। इसके बाद सरकारी AI प्रोग्राम को रोकने के लिए FBI ने तीनों को अरेस्ट कर लिया। वाह, पागल है क्या ये, अबे उसने गेम बिठा दी थी सबकी। कुछ वक्त बाद ही कमिला ने डेव, जॉन और मैक्स की बेल भरी और वो तीनों जेल से छूट गए, क्योंकि सरकार भी इस मामले को दुनिया से छुपाना चाहती थी, इसीलिए उन पर कोई कार्यवाही भी नहीं की जाएगी। डेव के कहने पर जॉन वापस से FBI का हिस्सा बन गया। उधर मैक्स कमिला से मिला जिसने उसे वो पैसे दिए जो उसने उस रात कैसीनो से जीते थे। इन पैसों से वो दोनों मस्त घूमने निकल गए। तो चलो आखिरकार इनकी सेटिंग भी हो गई तो हैप्पी एंडिंग। तो कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग थी तो समझ में आई या ऊपर से निकल गई, कमेंट्स में जरूर बताना।